और बैठे बैठे आजकल के बच्चे कैन यू बिलीव इट, मतलब आई वाज शॉक्ड. तो मजे की बात ये है कि पहले 6 साल जो है मेरे, फ्रॉम द एज ऑफ 10 टिल 16, मैंने बहुत एक्सट्रीम मेहनत की यूट्यूब पे, हर रोज यू नो वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, पूरा दिन, टू द पॉइंट वेयर मेरे फादर जो है मेरा लैपटॉप और कैमरा जो है वो मेरे से छुपा लेते थे. वो कहते थे कि ये पढ़ाई पे जो है ना फोकस नहीं कर रहा जितना करनी चाहिए, तो वो मेरे से मेरे इक्विपमेंट छुपा लेते थे. एंड हुआ ये कि इतने सालों की मेहनत के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया. 6 साल मैंने YouTube को दिए और उससे सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर्स आए. सो दिस वॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था. तो फिर एक दिन मैंने जो है TikTok ट्राई कर लिया और ऐसा ट्राई किया मैंने कि वो ट्राई करते ही गए बिल्कुल और जो मिलता है भाई, मेरा भी मेरी भी TikTok बनवा दिया ना और मेरा वो वेरीफाई भी करवा दिया. मैं कहें बिल्कुल, कहते मामा आपको पता नहीं है. मैं कहा पता है मुझे, तेरी मेहरबानी. हाँ जी. तो पहली मैंने TikTok बनाई तो वो वायरल हो गई. मैंने कहा इतने व्यूज़ तो मेरे YouTube पे 6 सालों में नहीं आए जो एक दिन में आ गए. तो मैंने कहा एक और बार ट्राई करते हैं, अगले दिन उससे भी ज़्यादा व्यूज़. मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म सही है. तो फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू 16 से लेके अब तक. अब रुक जाओ. हाँ जी. 15 टू 16 टू अब तक क्या हुआ ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे. हमारे साथ मेरा लाडू डांटे खाने वाला ईसा, वो जो कहते हैं ना एक बच्चा जो कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक होता है घर में, एक ये और एक हमजा, दोनों की कॉन्स्टेंटली कमबख्ती आई हुई होती है.